सुपरफास्ट 200 की 200 खबरें आपको दिखाएं, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से है, जहां प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सहित बीजेपी के 6 मंत्रियों और 6 राज्य मंत्रियों को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में लिखा है कि 26 जनवरी को सरप्राइज देंगे, बैंग बैंग करेंगे, रोक सको तो रोक लो। चिट्ठी भेजने वाले ने खुद को इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित बताया है। और हमारी सहयोगी संगीता प्रणवेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संगीता, अब क्या जानकारी इस बारे में आपके पास है? देखिए, जो ये चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं, आप लोग सावधान रहें, आपको बिग बैंग सरप्राइज देने वाले हैं और आप समझ सकते हैं हमारा मकसद क्या है, जो कर सकते हो कर लो, खुली चेतावनी है, राजस्थान में कई बार बम धमाके करेंगे, रोक सको तो रोक लो। और साथ में ये भी लिखा है कि हमारे एक्शन की तारीख 26 जनवरी तय है। और भेजने वाले का नाम लिखा है लियोना जरदा और अपने आप को उसने इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी बताया है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि राजस्थान में इस साल की शुरुआत में इंडियन मुजाहिदीन के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ था। सीकर, जोधपुर, कई और जगहों से इंडियन मुजाहिदीन के लगभग 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद से राजस्थान के अंदर काफी हलचल थी, जो जांच एजेंसियां हैं वो काफी सक्रिय थी, कई लोगों को पकड़ा गया था, बॉर्डर एरिया के अंदर भी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद ये पहली बार खुल करके एक चिट्ठी आई है, बीजेपी के नेताओं के पास आई है, मंत्रियों के पास आई है, इन्होंने बेहद गंभीरता से इसको लिया है और एटीएस को सौंप दिया है, एटीएस अपनी जांच करने में जुट गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगीता। जैसा संगीता ने कहा कि ये धमकी भरे खत की जानकारी एटीएस को दे दी गई है और एटीएस इसमें जाँच कर रही है।